इबादत है। वैसे ही हम सभी ने सुन रखा है, कहा ही जाता है, पहला सुख निरोगी काया, अर्थात हमारा स्वास्थ्य अगर उचित है, स्वास्थ्य के लिए अगर हम सही कोशिशें कर रहे हैं तो स्वस्थ तन में ही स्वस्थ मन का वास होता है। इसीलिए यहाँ पर स्वास्थ्य से संबंधित नियमित रूप से कैसे हम सैर करें, अपने शरीर के लिए कैसे गुनगुना पानी पीने से शरीर को हम चुस्त और दुरुस्त बना सकते हैं, इन सभी छोटी छोटी बातों को बताया गया है। और जहाँ हम शरीर के स्वास्थ्य पर ध्यान देते हैं, वही हमें मन के स्वास्थ्य पर भी ध्यान देना है, क्योंकि स्वस्थ तन और स्वस्थ मन हमारे जीवन में बहुत बड़ा धन हासिल करवाता है। क्योंकि निरोगी काया के साथ साथ ही हम अपने जीवन की उपलब्धियों तक, सफलताओं तक सहजता से पहुंच सकते हैं। और आज सबसे बड़ा धन ज्ञान धन है। तो यहाँ पर वेल्थ से रिलेटेड जो बातें बताई जाती है, उसमें बताया जाता है कि हमारा मन का धन हमारे विचार है, और हमारे विचारों को किस प्रकार से हमें पॉजिटिव रखना है। क्योंकि जो कुछ भी हम बोलते हैं उसका सीधा प्रभाव हमारे व्यवहार पर, हमारे आसपास के लोगों पर होता है। इसीलिए विचारों का ही प्रभाव शब्दों पर और शब्दों का प्रभाव जीवन पर है। इसीलिए जब भी बोलते समय शब्दों का चयन करें तो निश्चित रूप से हम सकारात्मक शब्द चुने। जैसे कि हम बच्चों को भी मूर्ख, नालायक, पागल कहने के अलावा अगर हम उनको इंटेलिजेंट या ब्रिलियंट कहते हैं, या बच्चों को भी हम बहुत अप्रिशिएट करते हर चीज़ के लिए, तो वो शब्द उनके लिए भी सार्थक हो जाते हैं। और जहाँ तक हैप्पीनेस की बात आती है, तो जीवन की खुशी वास्तव में यही है कि हम सभी पूरे परिवार को साथ लेकर के चले, और उसके लिए आवश्यक है हमारे मन की शांति की। और वो शांति तब संभव है जब हम गुस्से पर नियंत्रण करें। आज गुस्से के कारण संबंध बिगड़ रहे हैं, परिस्थितियां तनावपूर्ण बन रही है, तो अगर हम अपनी मनस्थिति को सकारात्मक बना ले तो निश्चित रूप से तनावपूर्ण परिस्थितियां भी अपनी पावरफुल मनस्थिति के कारण परिवर्तित हो सकती है, और खुशनुमा जीवन हम जी सकते हैं। यही इस स्टॉल का मुख्य उद्देश्य है।